बीजेपी संघ का है ये अफसाना, जानबूझकर बुन रहे ताना बाना। राम मंदिर पर देकर बयान, हटाना चाहते हैं दूसरे मुद्दों से ध्यान, मंदिर नहीं माहौल बनाना है। इधर आरएसएस ने अशोक सिंघल और कोठारी बंधुओं के बहाने 15 दिन में दो बार राम मंदिर का राग अलापा, तो उधर विरोध में उठने लगी आवाजें। समय समय पर मंदिर का रामबाण अपनाने वाली बीजेपी फिर सवालों के घेरे में है, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि दूसरे मुद्दों का गला घोटने के लिए राम नाम का शोर कर रहे हैं संघ और बीजेपी। बीजेपी संघ का है ये अफसाना, जानबूझकर बुन रहे ताना बाना। राम मंदिर पर देकर बयान, हटाना चाहते हैं दूसरे मुद्दों से ध्यान, मंदिर नहीं माहौल बनाना है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के राम मंदिर पर दिए गए बयान का भारी विरोध करते हुए बसपा, सपा और कांग्रेस के सदस्यों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भारी हंगामा किया। इनका आरोप है कि बीजेपी और संघ जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, इनका मकसद मंदिर नहीं बल्कि केवल माहौल बनाना है। चुनावी मौसम से पहले राम मंदिर का शोर, अब ये संयोग है या जानबूझकर बनाया जा रहा है, जो भी है संसद में संग्राम का शिलान्यास तो हो गया इसी शिगुफे पर। मंदिर बना है, कब कैसे अवसर आया आज कोई नहीं बता सकता, लेकिन कब कैसे कितनी तैयारी रखनी पड़ेगी आपके सामने जीवन है। जो जीवन हंसते हंसते अर्पित हो गए वो भी है, और वो भी तो हंसते हंसते चल रहे वो भी है। मोहन भागवत जी का बयान और जिस तरह उन्होंने कहा कि देश कुर्बानी के लिए तैयार हो, उसमें बहुत बुरा माहौल खड़ा हुआ है। तमाम मुद्दों पर बहस मुबाहिसे से इतर शोर के दलदल में फंस गई संसद भागवत के बयान पर। आरोप प्रत्यारोप के परिदृश्य में प्रोफेसर साहब ने संघ और बीजेपी पर साथ दिया निशाना। इसके बयान के बाद देश में सांप्रदायिक माहौल, सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति पैदा हो गई है, ये बहुत ही खतरनाक है। आरएसएस चीफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के अपराध के लिए महंगाई, कालाबाजारी, बाढ़, सूखा, यानी और भी मुद्दों का दर्द है देश में राम मंदिर के सिवा। ऐसे संकट में भी राम मंदिर के नाम पर राजनीति रास नहीं आई बहन जी को। आरएसएस के मुखिया ने राम मंदिर निर्माण को लेकर जो कुछ कहा है, तो इससे पूरे देश के अंदर सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बिगड़ेगा। वैसे भी मंदिर बनाने और तारीख न बताने की तकरीरों की गवाह है हजारों तारीखें, लेकिन असहिष्णुता के शोर में क्यों 125 करोड़ देशवासियों की दाल रोटी की पुकार किसी को सुनाई नहीं देती, क्यों किसानों की कराहट सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती? मंदिर नहीं माहौल बनाना चाहते हैं ये लोग। हमारे आरएसएस के जो प्रमुख हैं, उन्होंने कह दिया कि मंदिर का राग अलाप दिया बनेगा और मोदी के ही कार्यकाल में बनेगा, जो 3.5 साल रह गया, और भाजपा ने चुप्पी साध रखी, तारीख नहीं बताएंगे। बहरहाल राजनीति के रंग में रंग कर तो पहले भी गाया गया है राम राग, लेकिन क्या आप देश में मौजूद तमाम मुद्दों को टालने के लिए फिर रामबाण चला रही है बीजेपी, वो भी बीजेपी संघ के जरिए? साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो मोहन भागवत के बयान के बाद, राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान के बाद बीजेपी और आरएसएस दोनों विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं, और इसको लेकर आज संसद में हंगामा भी हुआ, कार्रवाई की मांग की गई। सवाल कई उठ रहे हैं, सवाल ये उठ रहा है कि क्या जानबूझकर राम राग अलाप रहा है संघ? सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी और संघ दोनों मुद्दों से ध्यान हटाने में लगे हैं? सवाल ये कि क्या बीजेपी को केवल संकट में ही याद आते हैं भगवान राम? सवाल ये भी कि क्या यूपी और बंगाल में चुनावों के चलते राम मंदिर की चिंता हो रही है? क्या ये मंदिर के बजाय केवल माहौल बनाने की कोशिश है? तमाम सवाल हैं जो अब खड़े हो गए हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी जुड़ चुके हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता आसिम बकार हमारे साथ हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नकवी साहब, आप ही के पास आना चाहूंगी, जो लगातार आरोप लग रहे हैं सभी पार्टियों की तरफ से कि क्या ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए गायत्री जी, जो बयान आ रहे हैं मोहन भागवत जी के,
वो बयान अपने आप में बहुत अच्छे बयानों में से नहीं होगा। पहले उन्होंने आरक्षण को लेकर के इसी प्रकार का बयान दिया, उसके बाद में फिर अब इन्होंने ला करके राम मंदिर के ऊपर बयान दिया है। देखिए, राम मंदिर के मामले में कांग्रेस का एक बहुत ही स्पष्ट सा स्टैंड है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो निर्णय सबको स्वीकार्य होना चाहिए, कांग्रेस उसको स्वीकार करती है और जैसा वो आदेशित होगा उसी के अनुसार आगे के कार्य होने चाहिए। लेकिन जब बात ये की जाती है कि राम मंदिर जो है वो 2017 के करीब नजर आता है और साथ में जोड़ दिया जाता है बलिदान देने के लिए तैयार रहें, इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि बलिदान देने के लिए तैयार रहें, इसका क्या अर्थ हुआ? क्या झगड़ा करके राम मंदिर वहां पे बनेगा? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इंतजार नहीं किया जाएगा, वहां पे राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा? ये चीज जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश के लोगों को चिंता कर देने के लिए है कि अगर इस प्रकार का एक मरतबा फिर से उन्माद जो है वो निकलता है, विघटनकारी राजनीति जो है वो निकल करके आती है, तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो है उत्तर प्रदेश के लोग देते हैं। वैसे ही 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर के आर्थिक स्थिति उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, पूरा का पूरा समाज जो है वो अलग अलग जातियों और संप्रदाय के रूप में बट चुका है, विकास के नाम के ऊपर यहां उसके बाद से कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के युवा जो है वो और ज्यादा चिंतित हो जाता है कि वैसे ही उनके पास बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या, आर्थिक कोई कार्य हो नहीं रहा है और ऐसे में बिना किसी कार्य को किए भी अगर बयान इस प्रकार के आते हैं तो ये निश्चित रूप से चिंताजनक है। बिल्कुल आसिम अकाज साहब, मोहन भागवत वक्त वक्त पर इस तरह के बयान देते रहे राम मंदिर को लेकर, बीजेपी के खुद के सांसद भी इस तरह के बयान दे चुके हैं, तो क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ चल रहा है? देखिए गायत्री जी, मोहन भागवत साहब का जो बयान है वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि बलिदान के लिए तैयार रहो, जीवन देने के लिए। इसमें जो एक गुप्त संदेश है कि देने के लिए भी और लेने के लिए भी, यानी खून खराबे के लिए तैयार रहो। मैं समझता हूं ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। ऐसे लोग हिंदुस्तान के लिए, सुरक्षित हिंदुस्तान के लिए, सेकुलर हिंदुस्तान की खूबसूरत फिजाओं के लिए निहायत घातक और नुकसानदेह हैं। ऐसे लोगों को खुली हवा में सांस लेने का हक नहीं होना चाहिए। ठीक है बकार साहब, एक प्रश्न मेरे जहन में आ गया, आपने ठीक बात कही। वो तो कलकत्ता में बोले, क्या हम ये माने कि अगर उत्तर प्रदेश की चौहिद्दी के भीतर ऐसा बयान दिया गया जिसको आप बता रहे हो कि देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको छिन्न भिन्न करने की कोशिश, तो हुकूमतें उत्तर प्रदेश वही करेगी जिसकी मांग आपने अभी की? क्योंकि तब उत्तर प्रदेश सरकार के अख्तियार में चीजें होंगी अगर उसकी जमीन पर ऐसी बात कही जाए। पकार साहब, तो क्या देश ये माने कि अगर उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा के भीतर ऐसी बात किसी ने की तो उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज देगी उत्तर प्रदेश की सरकार? देखिए, मैंने अपनी एक राय रखी है सुरक्षित और खुशहाल हिंदुस्तान के लिए, लेकिन इसमें एक चीज और भी देखना होती है। मैं ममता जी पर कोई दबाव नहीं बना रहा हूँ, ना ही मैं बंगाल की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम लोगों को, उनसे जुड़े तमाम संगठन को। बकार भाई, मेरा सवाल बहुत सीधा, छोड़ो ममता बनर्जी, ममता बनर्जी अपनी जाने, अपन उत्तर प्रदेश की बात करें कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी बात कोई करता है, चाहे मस्जिद बनाने की जबरिया और चाहे मंदिर बनाने की, तो उसकी जगह जेल के सीक्चू के भीतर होगी, ये मान ले? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, चाहिए और होगा में तो फर्क है मित्र। गरीबी हटनी चाहिए, नहीं हटी। भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, नहीं हुआ और बढ़ गया। भूख भय बेरोजगारी हटनी चाहिए, नहीं हटी और बढ़ गए। पहले 3 दिन में एक हत्या होती थी, अब दिन में 3 होने लगी। ठीक, वो विषय नहीं, ये तो बहुत सामान्य सा अधिकार है। जिस भी जिले में कोई ऐसा वक्तव्य दे उसके जिला अधिकारी को कानून या अख्तियार देता है कि वो जेल में डाल दे उसको। हिलाल लखवी को बड़ी बात तो नहीं मांग ली? नहीं, ये तो बहुत बेसिक बात है। बिल्कुल जायज बात है आपकी, बिल्कुल जायज बात है कि अगर समाजवादी पार्टी का ये राय है कि इस प्रकार के बयान देने वाले को जेल के पीछे भेजना चाहिए, तो निश्चित रूप से इस बात को कहें कि अगर मोहन भागवत जी और इस प्रकार का बयान देंगे तो वो जेल के पीछे भेजेंगे। और इसमें मैं तमाम विरोधाभासों के बावजूद, तमाम असहमतियों के बावजूद लालू जी के साथ, अपनी उनके कार्यकलापों से तमाम असहमतियों के बावजूद एक बात कहूंगा,
मुझे विश्वनाथ प्रताप का वो दौर याद है। लालू यादव विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं चाहते थे कि टकराव हो, आप लोगों को भी याद होगा, उसके कई कारण थे, कभी और चर्चा करेंगे। लालू यादव वॉज द ओनली मैन इन इंडिया जिसने सीधे कहा कि भाई प्रधानमंत्री जाने अपना, मेरे सूबे में अगर रथ आया तो मैं गिरफ्तारी 100% करूंगा, किसी सूरत में मेरे भौगोलिक सीमा में रथ नहीं घूमेगा। और लालू यादव ने जब वो रथ, अडवाणी जी का राम रथ बिहार की भौगोलिक सीमा में घुसा तो उन्होंने गिरफ्तारी कर दी। उसके बाद के घटनाक्रम लोगों को पता ही है, विश्वनाथ प्रताप की सरकार गिर गई और कैसे कैसे क्या हुआ, परिस्थितियां सबके सामने हैं। क्या हम माने आज उत्तर प्रदेश की सरकार वैसा ही वचन देने की स्थिति में है पकार भाई? देखिए नहीं, मैं बहुत साफ तौर से बता दूं आपसे कि उत्तर प्रदेश की सरकार के सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो अच्छा माहौल है ये खराब भी ना होने पाए, माहौल खराब ना हो, लोग आपस में झगड़ा ना करें, कर्फ्यू ना लगे, ये भी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार पर है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों की इस तरह की प्लानिंग है कि ये अपने लोगों से इस तरह के बयान दिलवाकर और फिर गिरफ्तारी करवाने के बाद ये देश और प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। एक चीज बकार भाई, एक चीज आपकी को जरूर बताना चाहूंगा, फिर हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी भी जुड़ेंगी। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि लालू यादव के 10 साल और 5 साल राबड़ी देवी के, 15 साल के, हिलाल भाई सुनिएगा गौर से, 15 साल के शासन में समस्तीपुर के छोटे से इंसिडेंट को छोड़ दीजिए, समूचे बिहार में कोई कम्युनल क्लेश और दंगा नहीं हुआ। 15 साल छोटा कार्यकाल नहीं होता। तो यह तर्क शायद गले नहीं बैठता है कि माहौल बिगड़ जाएगा, आग लग जाएगी। लालू यादव ने रथ भी रोका और आग भी नहीं लगी बिहार में। बकार भाई नहीं नहीं बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आपने एक चीज ये भी देखी होगी कि माने नेताजी ने जब 1992 में, 90 में, 1990 में जब उन्होंने मस्जिद की हिफाजत करने के लिए अपनी दिल और दिमाग और जी जान से लगकर मस्जिद की हिफाजत की थी, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से इन संघ के मानसिकता वाले लोगों ने, कानून का पालन हो रही है बकार साहब, पूरे देश को आग में झोंक दिया। असीम बकार, कानून का पालन होना चाहिए, कोई कुछ कहे, कोई नारा लगाए, कोई झंडा फहराए, इसका मतलब है कानून का पालन तो होना चाहिए। इसमें ये कोई नहीं होता कि लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे, राजा को इस सब का पालन किया नेताजी ने, ठीक है ना। खैर ठीक है, हमारे साथ जफर याब जिलानी साहब जुड़ गए हैं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बहुत सक्रिय सदस्य रहे, उसकी तरफ से वकालत करते रहे। स्वागत है जफर याब जिलानी साहब। अनिला सिंह जी आपका भी स्वागत है। अब गायत्री जी चर्चा बढ़ाएंगे। बिल्कुल जिलानी साहब, आप ही के पास आना चाहूंगी। एक तरफ तो बार बार मोहन भागवत की तरफ से बयान दिया जाता रहा राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर का निर्माण होकर रहेगा, हालांकि अब तो उन्होंने आगे बढ़ते हुए ये भी कह दिया कि बलिदान के लिए तैयार रहें। इससे पहले भी वो बयान देते रहे हैं, बीजेपी के सांसद भी इस तरह के बयान देते रहे हैं, खुद अमित शाह कह चुके हैं कि 370 सीटें चाहिए सबके लिए। आखिर फिर भी ये बयानबाजी क्यों नहीं रुक रही है? देखिए ये तो बहुत ही, मुझे तो कोई इसमें ताज्जुब नहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार संविधान के अनुसार चलाने पर प्रधानमंत्री मजबूर हैं जी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में निलंबित लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट पर स्टे लगा रखा है और साथ ही साथ स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत रीजेंट ऑर्डर दिया, जाता उसको वैकेट कराने के लिए अप्लाई करना भी किसी के बस में नहीं है जी। तो सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस को के ऑर्डर के बाद सरकार का कोई नुमाइंदा, प्रधानमंत्री या होम मंत्री, होम मिनिस्टर, कोई ये नहीं कह सकता है कि मंदिर उस वक्त तक बन सकता है जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर के हक में ना हो जाए जी। तो अब सवाल ये, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसने आपको इलेक्ट किया है 2014 में, उसमें बहुत से लोग, मैं सबको नहीं कहता, तकरीबन 10-15% लोग तो ऐसे रहे होंगे कि जो ये उम्मीद कर रहे थे कि बस सरकार आई और राम मंदिर बन जाएगा। तो आखिर उसके सेटिस्फाई करने के लिए किसी को तो कुछ कहना है, तो मोहन भागवत साहब से बड़ा तो कोई और रह नहीं गया जी। जो पार्टी में हो, अमित शाह साहब से भी बड़े हैं वो जी। तो अगर वो ये अमित शाह साहब के कहने पर लोग थोड़ा सोचते हैं कि बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, कुछ पकड़ करते हैं सियासी लोग जी। लेकिन मोहन भागवत साहब तो बीजेपी के ऑफिशियली प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन वो उनके बहरहाल एक तरीके के लीडर हैं,
तो अगर वो ये बयान ना दे तो फिर कौन दे, इसलिए मजबूर उनको बयान देना पड़ रहा। अगर से वो भी ये कह चुके हैं लखनऊ में लास्ट ईयर अपनी उनके एग्जीक्यूटिव में, उन्होंने कहा था कि 2019 तक का समय हमारे पास है, हम इसमें कोई जल्दी नहीं करेंगे। लेकिन अब चूंकि इलेक्शनों में, दो इलेक्शनों में उनकी हार हो गई जी, तो इसको इस आजमाना भी जरूरी उनके लिए है कि एक मरतब कोशिश तो करे, बहाल हो सकता है इस मुद्दे में कुछ जान हो। अच्छा, हमारा यकीन यही है कि उत्तर प्रदेश में या बंगाल में इस मुद्दे में कोई जान नहीं है। इस मुद्दे पर हिंदू और मुसलमान कोई लड़ेंगे नहीं, मुसलमान तो खामोशी रहता है, कुछ बोलता नहीं है, और सरकार बाकी लोगों से जो लोग करते हैं शांति से निपटने की वो निपटती है जी। ठीक बात जी साहब, एक बार मेरे साथ शहाबुद्दीन साहब थे और अशोक सिंघल जी थे, अयोध्या का मामला चरम पर था, दुनिया भर के खबरनवीसों के जहन में अयोध्या घूमती थी 90 का दौर। तो मैंने एक बात कही थी, मुझे याद आ गई जिलानी साहब, आपकी नजर करता हूं, मैंने कहा था शहाबुद्दीन साहब आपको प्रधानमंत्री बना दे ये मुल्क तो आप मस्जिद नहीं बना सकते वहां जबरिया, और अशोक जी आपको प्रधानमंत्री बना दे ये मुल्क तो आप मंदिर जबरिया नहीं बना सकते। सही बात है, हिंदुस्तान इतना कमजोर हो गया क्या किसी के कहने से चलेगा? मैंने दोनों से कहा था से चलेगा कि वहां वहां दो ही सूरत है, दो सूरत, या तो संसद की मोहर लगे या भारत की सबसे बड़ी इजलास की मोहर लगे, अदालत की मोहर लगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं जो अयोध्या में एक ईंट इधर से उधर कर दे। एक त्रिपाल बदलने में तो जिलानी साहब, एक त्रिपाल बदलने में तो 6 हियरिंग में जाना पड़ा, त्रिपाल बदलने में, फटा हुआ त्रिपाल बदलना जेन्यून बात है, किसी मुस्लिम भाई ने भी विरोध नहीं किया भारत में, हम लोगों ने सबने कहा बदलो, कोई नहीं चाहता कि वहां रामलला भीगे, कोई नहीं चाहता दर्शकों श्रद्धालुओं को कष्ट हो। मुझे अच्छा लगा कि मुस्लिम किसी संगठन ने त्रिपाल बदलने का विरोध नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में जाके ना। अनिला जी, हम लोगों ने जब ये बात सच है कि दो ही सूरत है इस हिंदुस्तान में मंदिर बनने की, या तो भारत की संसद तय कर दे या भारत की सबसे बड़ी अदालत तय कर दे, तीसरी कोई सूरत नहीं। हर पढ़ा लिखा आदमी इस बात को जानता है, फिर बार बार अटारी पर चढ़ के नारेबाजी क्यों? मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात पर होती है, चाहे वो कोई मस्जिद के लिए बोले कि कुर्बानी के लिए तैयार रहो, और चाहे मस्जिद मंदिर के लिए, बनेगा तो दान सर कानून की मोहर और जनता के दान से मंदिर या मस्जिद बनेगी, कुर्बानी का रोल खत्म, काहे की कुर्बानी? अनिला जी, नहीं आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और पूरा मसला जो है हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, और जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा क्योंकि उससे ऊपर कुछ नहीं है हमारे भारत देश में। पर अमिताभ जी, जन भावना भी एक चीज होती है, जन्म स्थान भी एक चीज होती है। अगर मोहन भागवत जी ने 80% हिंदू जो इस भारतवर्ष में रहते हैं उनकी जो जन भावना है उसको व्यक्त किया है, हर हिंदू के मन में है कि राम जी, जो पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, महात्मा गांधी जी यहाँ पे राम राज लेकर आना चाहते थे, ऐसे भगवान राम का, अगर मैं एक बात पूरी कर लूं आप फिर कहिएगा, वो जन्म स्थान है, कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। पर जब मोहन भागवत जी ने कहा, ये कहा कि भाई जोश के साथ होश मत खो बैठना, मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करी कि मेरी इच्छा ये है। नहीं, उन्होंने तो मैं बलिदान के लिए भी तैयार रहूं, ये भी कहा जी, बलिदान के लिए भी तैयार रहूं, बलिदान कहां होगा? देखिए बलिदान आप उसको किस स्वरूप में ले रहे हैं ये तो एक पर्सनल, वहां तो भागवत जी का भी काम नहीं, वहां वकील जफर या जिलानी जैसे लोगों का काम है, वकीलों का जी, ठीक, और जज साहब का काम है वहां, ना तो हिलाल लखवी काम, ना अमिताभ अग्नोत्री काम, ना असीम वकार का काम, ना भागवत जी का काम, ठीक, नो नारेबाजी एट ऑल। सुप्रीम कोर्ट का एक अपना काम करने का तरीका है, आइए दलील दीजिए घर जाइए, बाद में आला अदालत तय कर देगी। और वहां यह भी मसला नहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आस्था का प्रश्न है कि या मान्यता का प्रश्न है, ये सब है। अगर कानून के पास गए हो, मैं याद दिलाऊं जिलानी साहब को याद होगा, ये बहुत रिलीजियसली फॉलो करते रहे इस केस को, नरसिंह राव जी ने एक बार डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के पास रेफरेंस भेजा अयोध्या पर, शंकर दयाल जी ने वापस भेज दिया, बोले ना भैया ये बवाल आप ही निपटो सुलझो, ठीक ना?
जी जी, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चला गया और आज वही बात संघ के एक दूसरे बड़े पदाधिकारी ने कही ना, मनमोहन वैद्य ने, जब उनसे हम लोगों ने पूछा कि भाई भागवत जी ने कहा है कुर्बानी के लिए तैयार रहो, तो उन्होंने कहा नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तभी कुछ आगे होगा, उससे पहले कुछ नहीं। तब ये बात बोल के चिंगारी का खेल खेलने की जरूरत है क्या अनिला जी? अमिताभ जी, मैं फिर दोबारा वही बात कहूंगी कि अगर उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करी हैं तो ये अधिकार इस देश के संविधान ने उनको दिया है, राइट ऑफ स्पीच उनको दी है। उन्होंने कोई ऐसा कुछ उन्होंने कह दिया कि जिससे कि माहौल बिगड़ जाए, उनकी इच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है, मैं यहाँ पे आरएसएस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, मैं बीजेपी को कर रही हूँ, और बीजेपी के मैनिफेस्टो में है ये कि राम मंदिर बनना चाहिए। आखिरी पन्ने पर डेढ़ लाइन में मैनिफेस्टो में तो है ना। तो अगर मैं मोहन भागवत जी की बात पे आ जाऊं तो ये केवल उनकी भावना नहीं है, ये जन भावना है। अच्छा, एक बात तो नहीं बनना चाहिए इस पे इतना बवाल। हिलाल भाई जी, जी, जी। मेरे लिए हर इबादत घर बहुत काबिले एहतराम है, मैं उसका बड़ा सम्मान करता हूं और भगवान राम भी मेरे हृदय में बहुत पूजित स्थान पर है। फिर भी मैं एक बात कहूंगा, जैसे अनिला जी ने कहा कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, संविधान ने दिया है, भागवत जी को भी दिया, मुझे भी दिया और ननकू को भी दिया, इसका उपयोग होना चाहिए, कोई आपत्ति भी नहीं। जैसे मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे थे कि संकल्प दोहराए, कोई दिक्कत नहीं, संकल्प दोहरा सकते हैं, कानून की जद में है वो। लेकिन अगर मान लीजिए यही बात दूसरे पक्ष ने भी कह दी होती कि तैयार हो जाओ कुर्बानी के लिए, मस्जिद का वक्त आ रहा है, तो क्या हम उसको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच मानने जितना उदार हृदय रखते? ये कहते भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दोनों लोग अपनी अपनी सेना तैयार कर लो। हिलाल भाई, अमिताभ भाई देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अपने आप में बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके ऊपर पूरी बहस की जा सकती है, इसलिए उसमें हम नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं मंदिर बनाने के लिए बलिदान के लिए तैयार रहो, निश्चित रूप से ये आह्वान किया जा रहा है कि अब जो है वो मंदिर के लिए हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कार्य करेंगे, जिसके लिए आप तैयार रहें, तभी तो बलिदान की बात होगी। अगर जुडिशियरी के अंदर रह करके उसके आदेश के अनुसार करेंगे तो बलिदान के लिए तैयार होने की आवश्यकता क्या है? तो इसलिए यह बात कहना कि ये जो है ये उनकी मन की भावना है, ये कहीं से समझ में नहीं आई जी। दूसरी बात, जो पुरुषोत्तम राम की बात कही जाती है, तो पूरा भारत देश कहता है पुरुषोत्तम राम। इसके अंदर आप जो है वो एक मतलब फिर से अगर बांटना चाहें कि 80% के लिए पुरुषोत्तम राम है, 20% के लिए नहीं है, तो ये कौन सा खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, आज तक के किसने कह दिया कि वो पुरुषोत्तम राम नहीं? जी जी, मेरे मित्रों, महात्मा बात भाई, जिलानी साहब को शायद याद हो, अगर मैं सही याद करूं, शायद अल्लामा इकबाल कह गए इमाम हिंद। जी जी जी, अमिताभ जी, एक चीज में सब शामिल है, राम के ऊपर पूरी, हां राम के लिए पूरी नकल है, इमाम हिंद कह दिया भाई, सब शामिल है। अनिला जी, नहीं नकी साहब, ठीक है, अनिला जी, नकी जी आपके पास आएंगे, ब्रेक भी लेना है। अजय गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्म आचार्य। अजय गौतम जी, मसला सुप्रीम कोर्ट में है या फिर राम मंदिर का जो सॉल्यूशन है वो संसद निकाल सकती है, और इन दोनों ही स्रोतों में अमित शाह कह चुके हैं 370 चाहिए, तो सवाल ये उठा फिर लगातार मोहन भागवत की तरफ से राम मंदिर का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, जो वक्त वक्त पर बीजेपी के सांसद भी उठाते रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि राम भगवान राम का मंदिर तो वहां ऑलरेडी है, वो पूरी तरीके से एग्जिस्ट करता है, उसके भव्य और विराट रूप देने की बात मोहन भागवत जी ने कही है, और जो बात मोहन भागवत जी ने कही है वही बात 100 करोड़ हिंदू जो है उनके प्राण और उनके श्वास के रूप में अंतरित होती रहती है कि भगवान राम का वे विराट और भव्य मंदिर कब बनेगा, जो कि क्योंकि टेंट को भी बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मुंह ताकना पड़ता है। अजय जी, सुप्रीम कोर्ट जो है, अजय जी, जी महाराज, बाकी सब बातें तो समझ आ गई। हाँ। एक पेच अटक गया मेरे जहन में। हाँ। भागवत जी ने कहा बलिदान के लिए तैयार रहो, जैसे हंसते हंसते कुठारी बंधु ने जीवन निछावर कर दिया, बलिदान की जरूरत कहां है? बलिदान की जरूरत सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनेगा। अमिताभ अग्निहोत्री चंदा देंगे, अनिला सिंह चंदा देंगे, जफरयाब गिलानी से मैं खुद ले आऊंगा चंदा। अमिताभ जी, बलिदान किसका होगा वहां भैया? कोर्ट ने तो आदेश दे ही दिया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ बाबर और मीर कासिम दोनों के ही आने के कोई प्रमाण नहीं मिलते, उन्होंने सीता की रसोई और राम भगवान राम के मंदिर के अस्तित्व होने की बात तो कही दी है, आदेश तो पारित हो चुका है। दस्तावेज को पूरा पढ़िए,
तीन हिस्सों में बांटा है उस भूखंड में। जैन साहब ये बात सच है ना? तीन हिस्सों में जो तीन हिस्सों में बांटा है जब एक बात समझिए, सबसे बड़ी बात यह है इसमें लीगल लीक जो लकुना है वो ये है कि जो उसको तीन हिस्सों में बांटने की बात तो कहीं नहीं, ना मुस्लिम पर्सनल उन्हें उन्हें बात करी, ना हम लोगों ने बात करी, जो चीज हमारे प्रेर में है ही नहीं, जो मांग हमने करी नहीं, ना दूसरे पक्ष ने करी ना प्रतिपक्ष ने करी, वो ऑर्डर तो अपने आप में ही जो है इनमेरिट हो जाता तो है। आप इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डालो और याचिका। नहीं डाली है हमने, हमारी हिंदू महासभा की तरफ से याचिका ऑलरेडी पेंडिंग है। फैसले का इंतजार तो करोगे कि बलिदान कहाँ करोगे, जब मुझे बताओ किस रोड पे बलिदान करोगे जाके, फैजाबाद में कहाँ बलिदान होगा। 6 दिसंबर 1992 को हमने ना सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी थी, ना राज्य सरकार से मांगी थी, ना लोकसभा से। वही बात कह रहे हैं, वैसे करना चाह रहे हैं क्या? हाँ, तो हम अगर इस चीज में और देर हुई, तो तरीका वही होगा। इसमें हमें कहने में ना कोई हर्ज है, ना कोई डर है। गौतम साहब एक बात और बता दो। जी जी जी, मुझे याद है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया सरसंघ चालक थे जब ढांचा टूटा। ढांचा टूटने के बाद जिलानी साहब, मैंने रज्जू भैया का एक इंटरव्यू किया। मैंने रज्जू भैया से पूछा आप आगे क्या, तो उन्होंने बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ये ढांचा का जो ध्वस्तीकरण है ये भीड़ के द्वारा हो सकता है, लेकिन निर्माण भीड़ से नहीं हो सकता, निर्माण आंदोलन से नहीं हो सकता, निर्माण तो शांति काल में ही हो सकता है। तब बलिदान की क्या बात हो रही भैया? अजय गौतम जी आप करें वो या तरीका अख्तियार करेंगे बलिदान। आप पूरी बात का मतलब तो समझिए अमिताभ भाई, उन्होंने कहा तन से मन से धन से तीनों रूप से बलिदान। बलिदान का मतलब जो है जो चीज आप दान कर दें। हमारे यहाँ तो बलि परंपरा का मतलब यह है कि जिसमें सिर्फ देवता का अधिकार हो। बलि का मतलब जन्मदिनी शाखा में स्पष्ट है बलिदान का मतलब है जो देवता के निमित्त हो वो बलिदान है। अजय भाई मुझे आपके चैनल पर बैठकर अजय गौतम जैसे आदमी सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, जैसे हम 6 दिसंबर 1992 करो। अच्छा अजय भाई मुझे एक बात बताओ, अजय गौतम जी एक बात बताओ जी। 1992 6 दिसंबर उस आंदोलन को मैंने उतनी ही सक्रियता से कवर किया जितने सक्रियता से शाहबुद्दीन साहब लगे थे या अशोक सिंघल जी लगे थे। उतने सक्रियता से एक पत्रकार के नाते मैं भी दिन रात फॉलो कर रहा हूं, इसलिए उस विषय की थोड़ी बहुत मुझे जानकारी हुई। मैं एक बात समझना चाह रहा हूं 1992 6 दिसंबर 92 हटा दो, 93 से आज तक 2015 ठीक जी, कितनी बार आपने कोशिश की मंदिर बनाने की मुझे एक बता दो। देखिए मंदिर बनाने कभी गए वहां उदाल उदाल लेके? अभी तो भाई कार सेवकपुरम के अंदर आप भी जानते हैं कि मंदिर के चक्र से लेके कलश से लेके ईंटों से लेके सारा काम तो चल ही रहा है। गौतम साहब वो कहानी दूसरी है, उसको तो आकार देने के बाद काम तो कभी रुका ही नहीं है। गौतम साहब वो कहानी दूसरी है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे कि चार लोग टुक 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 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो अलग मैनेजमेंट है, उस पर आज नहीं जाओ अपन। मंदिर बनाने कोई गया ईंट गारा लेके बोले भाई चलो भाई दाएं से दीवार जोड़ो? इसीलिए तो कहा है कि भाई ऑर्डिनेंस लेकर आइए। जब शाहबानों के मामले में ऑर्डिनेंस आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं, तो ये बात बीजेपी से बोलनी चाहिए ना। मंदिर के अंदर सुप्रीम कोर्ट का मुंह ताकने की आवश्यकता क्यों है? जफर याद जिलानी साहब, लो भाई अजय गौतम जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुंह ताकने की जरूरत क्या थी, सीधे काम शुरू कर देना चाहिए था। जिलानी जी आपसे इस पर जवाब लेंगे, आपसे जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक हम दे रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। जिलानी जी आप ही के पास आना चाहूंगी, वही जवाब जो सवाल अजय गौतम ने उठाया कि सुप्रीम कोर्ट का मुंह ताकने की क्या जरूरत है। देखिए दो बातें मैं अर्ज करूंगा, सुप्रीम कोर्ट का मुंह ताकने की अगर जरूरत नहीं है और हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस को के खिलाफ कोई वहां एक ईंट रख के देख ले। मैं तो इस बारे में पूरा मुझे यकीन है कि देश जो है हमारा वो सिर्फ संविधान से बंधा हुआ नहीं है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का भी उतनी आदर करता है हर कम्युनिटी का आदमी। अगर इनके पास 2000 आदमी मिल जाए इनको, मैं तो चैलेंज करता हूँ कि अगर उनके सुप्रीम कोर्ट का मुंह नहीं देख रहे हैं तो उसके आदेश के खिलाफ वहाँ एक ईंट रख के देख लें।
2002 में आपको याद होगा जी, जब सरकार दोनों जगह इनकी थी, हाँ वाजपेयी जी की सरकार थी और यहाँ की भी। अरे वाजपेयी जी को बड़ा दुखी किया था इन लोगों ने भाई, वो बड़ा दुखी, एक ईट रखना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं नहीं रखने, कोई ईट रखी नहीं जाएगी, नहीं रख सके, ये नहीं रख पाए, तो सरकार होने के बाद भी नहीं रख सकते। और दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूंगा गणपति जी कि ये संसद में कानून भी नहीं बना सकते, सुप्रीम कोर्ट के एक दर्जन फैसले इस पर है कि हाई कोर्ट के फैसले को फाइंडिंग ऑफ फैक्ट पर कोई कानून पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर बदल नहीं सकती है। जिस दिन ये कानून पास करेंगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से वो सेटिस्फाइड होगा। ये बातें बीजेपी में अरुण जेटली साहब और दूसरे लोग जो है वो जानते हैं, इसीलिए वो जबान नहीं खोल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा इसका भी उन्हें अंदाजा है, हमारे उस मुकदमे के वकील आज एक मंत्री हैं, अंदाजा है, वरना चलिए जी, वरना मैं तो कहता हूँ दरख्वास्त दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, कल दरख्वास्त दीजिए मंडे को कि इसकी सुनवाई डेट रिजेस्ट कर ली जाए, और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बहस होना है, एविडेंस नहीं होना है, एक साल में बहस खत्म हो जाएगी, हम तैयार हैं, रोज सुनवाई करवाइए, आप फैसला करवा लीजिए, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट कहे आप उसको मानिए। अनिला जी देखिए, जिलानी साहब ने एक बड़ी बात उठाई, अच्छी बात भी है बड़ी बात भी है, अगर एक मुद्दा नासूर बन गया, रोज तनाव पैदा होता है, कभी इधर से कोई बहादुर खड़ा हो जाता, कभी उधर से कोई जंगजू खड़ा हो जाता, तो क्यों नहीं हुकूमत हिंदुस्तान एक अर्जी लगा दे सुप्रीम कोर्ट में, उसके पास राइट है ये कहने के लिए कि लोक व्यवस्था से जुड़ा मसला है, हमारा निवेदन है कि इसको एक्सपीडाइट कर दीजिए। अटल जी ने करवाया था, तो अटल जी के समय में गई थी, मोदी साहब क्यों नहीं भेज देते। अनिल जी देखिए, जो सरकार है केंद्र में जो सरकार है, या आप मोदी साहब की बात कर रहे हैं या मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो है और चाहे पूरा हिंदुस्तान है, या मैं कहूंगी कि हिंदुओं की जो जनभावना है, सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे सर्वोपरि है। जैसे बाकी पूरे हिंदुस्तान को इंतजार है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को भी हिंदुस्तान है कि क्या फैसला आएगा, इसीलिए सब बैठे हैं, और जो भी फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा, उसको हम नहीं चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें अरे इतना तो कर दो फिर भाई, कम से कम भागवत जी के संतोष के लिए कि जल्दी के लिए तो चिट्ठी दे दो। देखिए मोहन भागवत जी ने, मैं फिर से कहूंगी कि वो बात कही है कि जैसे अभी मेरे ख्याल से गौतम साहब ने जो कहा है कि 100 करोड़ जो हिंदू हैं इस देश में उनकी जन भावना है, उन्होंने यूं व्यक्त करी, वो उनका अधिकार है, पर उन्होंने साथ में ये कहा कि पूरा मसला पूरा मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, तो इसलिए जोश के साथ होश मत खो बैठना, पर अपनी इच्छा अगर कोई व्यक्त करता है तो क्या हिंदुस्तान में अब इतनी आजादी भी नहीं रहेगी कि कोई हिंदू ये कह सके कि अनिला जी है कि राम मंदिर। अनिला जी पूरी आजादी है, मेरा डर मालूम क्या है, मेरा डर है दोनों तरफ से अगर इच्छा व्यक्त होने लगी एक ही समय पर तो आग लगते देर नहीं लगती। मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जब दोनों तरफ से हुई, एक बदजुबानी व्यक्ति, और उस वाक्य को कोट नहीं करूंगा, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, विज्ञान भवन में बैठक चल रही थी, शायद जिलानी साहब रहे होंगे उस बैठक में, है ना, शीर्षन दीक्षित थे और तमाम लोग थे, है ना, कागज फेंक गए एक दूसरे पर, टेबल वेबल पलट दी, सभा समाप्त हो गई, चंद्रशेखर ऐसे माथा पकड़ के बैठ गए, बोले भाई अब मैं नहीं कर सकता कुछ, क्या करूं, बोले इतने लोगों को पकड़ के लाया, एक ही बात पर फिर रार हो गई। ये विषय सेंसिटिव है, ये नहीं हम लोग समझते। बकार साहब, अमिताभ जी एक बात मैं कहना चाहूंगी, आपने बहुत सही बात कही है, बिल्कुल संयम बरतना चाहिए किसी को भी कुछ भी कहने के लिए, पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि मोहन भागवत जी ने इच्छा व्यक्त करी, उस पे आज की तारीख में हर चैनल पे डिबेट हो रही है। नहीं इच्छा पर मुझे ऐतराज नहीं, इच्छा पर नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐतराज पार्शियल है, पूरे वक्तव्य पे नहीं, इससे अच्छा वक्तव्य दे राम पर, मैं उनसे बेहतर बोल सकता हूँ राम के आदर्शों पर, कोई दिक्कत नहीं, राम मेरे भी आदर्श है जितने मोहन जी राव जी के, लेकिन मैं इसके सहमत नहीं कि मंदिर या मस्जिद बनाने के लिए बलिदान के लिए तैयार हो जाओ। नहीं मैं एक चीज बस पूछना चाहती हूँ, बलिदान होना ही नहीं तो बलिदान का मसला कहाँ है। अमिताभ जी मुझे एक छोटा सा उत्तर दे दीजिए, ओवासी साहब अपनी जबान से जहर उगलते हैं श्री राम के लिए, सीता मैया के लिए, डिबेट नहीं होती। मैं उन पर उनकी भी उतनी कड़ी निंदा करता हूँ, मेरे लिए ओवैसी हो चाहे मवेशी हो सब बराबर, कोई फर्क नहीं भैया, ना ये जान लो, जो गंदा बोलेगा उसकी निंदा होनी चाहिए, हिंदुस्तान को मजा बनता नहीं चाहिए। जवाब तो इसलिए अमिताभ जी उनको जवाब लगातार मैं तो व्यक्त
करने में लगातार वैसी साहब को जवाब जनता दे रहे हैं कि उनको तो जवाब दिया है ठीक है ठीक है जवाब और कहां से मिलेगा बिलाल भाई एक मिनट और कौन उनकी तरफ जारी कर रहा है कौन उनको सही कह रहा है हर कोई उनकी निंदा कर बिलाल भाई एक मिनट आप ये बताइए अनिल मोहन भागवत जी के बयान से सहमत है जी कहा उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार है असीम वकार से कुछ कहने जा रहे एक बात मैं कह दूं ओबीसी बिहार के उस इलाके में जो मोर देन 50% मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है सीमांचल वहां 6 कैंडिडेट 6 की जमानत जब्त हो गई ये है ओबीसी की उत्तर भारत में स्वीकारिता की बात वोट मिले हैं कुल मैं जफरयाब जिलानी की बात ज्यादा गंभीरता से सुनूंगा ओबीसी के मुकाबले नहीं तो बस मैं ओबीसी कहां है ओबीसी का कोई महत्व नहीं मेरी मेरा पॉइंट सिद्ध हो गया है ना जनार्दन है अगर आप ये बात मानते हैं कि मोहन भागवत साहब और वैसी साहब एक बराबर है तो कोई तहसील नहीं मान्य होगा जी बकार साहब अगर आप ये मानते हैं कि मोहन भागवत और वैसी जी एक बराबर है उनका एक बराबर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात यह हो रही है कि खत्म हो गई इसको नहीं हिलाल भाई बकार साहब नहीं करेंगे मोहन भागवत भाई वैसी एक बात है हिलाल भाई बकार साहब बहस नहीं करेंगे एक मिनट असीम बकार कुछ कहना चाहिए बकार साहब अमिताभ जी जी जो बहस आज हो रही है मैं जो देख रहा हूं वो दो तरह की बहस है एक बहस है आप चाह रहे हैं कि तथ्यों के आधार पर हो हाँ। जो एजुकेटेड और अच्छे लोगों की बहस होती है हाँ। और दूसरी बहस है वो जाहिलाना तरीके की बहस है जिसमें कोई तथ्य नहीं है कोई पढ़ा लिखा नहीं है कोई किताब नहीं है कोई आदेश नहीं है कोई कोर्ट नहीं है तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाहिलों वाली बहस करूं या काबिलों वाली करूं आप जो बहस करना चाहें उस प्रकार की बहस हो जाएगी वकार साहब और तथ्यों पे बात करना चाहते हैं तो चलिए तथ्यों पे बात कर लेते हैं अनिला जी थोड़ा सा सबर रखिए और सुनिए 1857 से लेकर और आज तक जितने भी मुकदमे हुए हैं उसमें कहीं से भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वाले लोग या इनसे पहले जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग थे वो कोई मुकदमा जीते नहीं है सबसे पहली बात तो जो 85 में मुकदमा हुआ था उस मुकदमे में 1885 में जो मुकदमा हुआ था उसमें इन्होंने जो केस फाइल किया था वो ये फाइल किया था कि जो बाहर 17x21 फीट का चबूतरा हमने बनाया है उस पर आज है बलिदान की आवाज जी बहुत अहम पीछे जा रहे हैं 1527 तक जाइए जा रहा हूँ 1528 तक जाओगे बाहर तक जाइए ठीक है अन्यासी को एक मुकदमा हुआ है उसमें जो डीजे थे आपके फैजाबाद के उन्होंने ये फैसला दिया है कि मैं मौके पर गया और मैंने मौके पर जाकर देखा तो मैंने पाया 2000 बॉर्डर पर बनी है आज नई बात ये बातें आ चुकी हम लोग अजय गौतम जी एक आपको बात की बात करते हैं किस तरह की बात अजय गौतम जी एक मिनट बकार मंदिर है आपका जो आप बना लेंगे अजय गौतम जी आवाज आ रही है अमिताभ जी आपको मेरी एक बात आपको बता दूं अयोध्या में दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं जो ये स्मृति में आते हैं एक ताला खुलना ठीक और दूसरा 6 दिसंबर ठीक 92 ताला खुलना में कोई कुर्बानी नहीं हुई न बलिदान न कुर्बानी अदालत का आदेश हुआ हो गया ठीक डिस्ट्रिक्शन जहां होना था वहां एनआरकी हुई जी ठीक और एनआरकी से निर्माण नहीं होता ये बात सब जानते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब लोग जाओ एक एक अपने मन से पत्थर जोड़ दो तो मंदिर क्या वो क्या बनेगा भगवान जाने ठीक तब फिर कैसे मंदिर बनाने की बात बार बार कोई भी खड़े होकर कह देता है अगर ये बातें मस्जिद बनाने वाले भी कहने लगे तो कहां जाएगा माहौल अमिताभ जी आवाज आ रही है आपको जी आ रही है भैया हेलो आ रही है आवाज भाई जी 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 जी, जी। पहली बात तो ये है कि अब ये कोई मेरे ख्याल से कोई सज्जन है जो बड़ी जाहिल कह रहे थे कि जाहिल आना या पढ़ाई लाना या इलाइन लामा वाली बात कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता हाँ वो तो समुनक उनकी भाषा और कल्चर वो तो खैर उनको विरासत में मिला है उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है दूसरी बात ये है कि ये एक जब मुल्क का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हो गया
जिस संविधान की और जिस सुप्रीम कोर्ट के लिए ये अपने लोग अपनी छाती पीटते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट की बात इन्होंने तब क्यों नहीं मानी जब शाहबानों के मामले में उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को बराबर भत्ता मिलना चाहिए, उनको उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, तब शाहबान तब इनको सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं आई, तब तो इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके वो मामला पलटवा दिया रामलीला में रैली करके। तो भैया अमिताभ बच्चन ने सुना है ना, मुझे बात पूरी करने दीजिए। दूसरी बात, अभी तीन बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि खाली तलाक भर कह देने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाएंगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ की आड़ के अंदर महिलाओं का शोषण करना बंद करिए और यूनिवर्सल सुप्रीम कोर्ट की बात करिए, चाहे हिंदू महिला हो या मुसलमान महिला। जिलानी साहब वकील है। अजय गौतम एक मिनट रुकिए, जिलानी साहब जितने भी लोग ये कहते हैं कि शाहबानों से लेके तमाम मसाइल है ना, सबने देखे और देश में पढ़े लिखे लोगों ने उसकी भी मुखालफत की, इसकी भी मुखालफत की, बहुत सारी चीजें रही, तमाम शेड्स इस देश की हिस्ट्री में हैं। लेकिन मैं कहता हूं, मैं मान भी लूं आपकी बात, तो अपने प्रधानमंत्री को राजी कीजिए, वो इतना साहस जुटाएं, सत्र चल रहा है सदन का, संसद का, कल सुबह लेके आ जाए प्रस्ताव, इसमें इतना हंगामा क्यों? या तो प्रस्ताव ले आइए और उसका परिणाम संसद में देखिए, नहीं तो शांत रहिए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करिए। जयंत साहब कानूनी तौर पर गलत तो नहीं बोला? जी जी बिल्कुल सही। पर एक बात मैं आपको सफाई करना चाहूंगा कि जो लोग ये कहते हैं मीडिया में अक्सर कहते हैं कि शाहबानों का केस राजीव गांधी ने ओवरूल कर दिया, हाँ। बिल्कुल गलत कहते हैं। आप उस एक्ट को पढ़ लीजिए जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट, जो 86 में पास किया राजीव गांधी ने। उसमें एक जगह भी आपको नहीं मिलेगा कि शाहबानों का जजमेंट ओवर रूल किया जा रहा है। उसमें एक नया कानून बनाया उन्होंने कि मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन के क्या अधिकार होंगे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेस्ट किया 2001 में और 5 जजेस ने तय किया कि शाहबानों का जजमेंट आज भी वैलिड है, और 2015 तक सुप्रीम कोर्ट शाहबानों का फैसला मान रहा है। गिलानी साहब, पिछले 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार बोला है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की आड़ में महिलाओं का शोषण नहीं कर सकते। जस्टिस प्रदीप मिश्रा की बेंच ने बोला, जस्टिस आदर्श गोयल की बेंच ने बोला, तो आप उसके बाद बच्चों रिपोर्ट करते हैं, उस बात को बात करिए ना। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट लगाएगा। अभी मुकदमा लगा था 23 नवंबर को, उस दिन अटॉर्नी जनरल साहब आए नहीं, लिहाजा 3 हफ्ते के बाद लगने का आदेश हुआ है। तो जब सुप्रीम कोर्ट अनिला जी ये रोज रोज का रट्टा खत्म हो जाए, क्यों नहीं ऐसा करा दो कि प्रधानमंत्री जी से कहिए कि खड़े हो संसद में, एक अच्छा भाषण दे और प्रस्ताव रख दे अमिताभ जी, कि भारत की संसद इस पर निर्णय करे, ये जनाकांक्षा का विषय है। मैं आपकी सारी बात का एक लाइन में उत्तर दे देती हूँ जी। प्रधानमंत्री जी जो हैं, इस भारत वर्ष के प्रधानमंत्री हैं, वही तो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी इंतजार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है। तो प्रधानमंत्री साहब एज अ प्रधानमंत्री वो कोई इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी एक पार्टी के नहीं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। गौतम जी इन्होंने ये तो माना कि भगवत जी गलत काम कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं। जो उनको धोखे की बात कर रहे हैं देश के साथ, आपने माना यहाँ बैठा भाजपा का उत्तर मिल गया ना की आपको भाजपा का उत्तर मिल गया। वहाँ पर ये नहीं था, वहाँ जाकर देखिए, वहाँ पर जो वहाँ पर बल्कि ये सीता की रसोई थी, जो मंदिरों के स्तंभ होते हैं वो स्तंभ तक मिले हैं। अरे भाई, तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो भाई गौतम जी, आपको भाजपा का उत्तर मिल गया ना कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे जैसा देश कर रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे, भाजपा ने कहा। गौतम साहब, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती है वो एक राजनीतिक दल है, हम राजनीतिक लोग नहीं है। हमें तो सिर्फ एक बात से मतलब है कि 67 साल से तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हिंदुओं का जो दमन हुआ है वो पूरे पूरे आप देखेंगे दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा,
मलेशिया वाले तो फिर भी अपनी एयरलाइन मलेशिया छोड़ो, अच्छा फिर ये बता दो आप कब जा रहे हैं मंदिर बनाने। करेंसी में गणेश जी की फोटो छाप सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक चवन्नी के ऊपर भी अगर ओम लिख दें तो पीआईएल के अंदर सेकुलरिज्म के लिए आग लग जाती है। अरे गौतम साहब आप कब जा रहे हो मंदिर बनाने? देश के अंदर हमारे अधिकारों का गला अगर घोटा गया तो वो अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये तुष्टिकरण की दुकान चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो ये बंद हो। देखिए ये देश हमारा है, यहाँ के पेड़ हमारे हैं, यहाँ का आसमान हमारा है, यहाँ का पानी हमारा है, यहाँ का समंदर हमारा है, और जो इस मानसिकता के लोग हैं वो अपने हाथ में अपना झंडा ले और अपना मुल्क अलग आजाद करा ले। हम भी अपने धर्म के नाम अपने बीजेपी के जवाब के बाद जी 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 जो अभी बीजेपी ने जवाब दिया कि प्राइम मिनिस्टर भारत के प्रधानमंत्री हैं, जैसा पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा में है वैसे ही सरकार, उससे अतिरिक्त एक इंच कोई दूसरा काम सरकार नहीं करेगी भारत की सरकार। और वैसे मैं बताऊं हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं अखिलेश जी की सरकार मोदी जी की सरकार, भारत का कानून कहता है भारत की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार, व्यक्तियों की सरकार नहीं मानता भारत का संविधान, वो रूल ऑफ लॉ मानता है व्यक्ति नहीं। खैर उस उत्तर के बाद और एक से उस उत्तर के बाद आपको उस उत्तर पर भरोसा है फिर उसके बाद आपत्ति खत्म हो रही है क्या? अमिताभ भाई देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक मैनिफेस्टो भी है और जब मैनिफेस्टो बन रहा था उस वक्त तक की सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था। अगर मैनिफेस्टो के अंदर राम मंदिर के निर्माण का इन्होंने वादा किया है वचन दिया है तो निश्चित रूप से उसके अंदर यह साफ बात है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय हो ये राम मंदिर वहां बनाएंगे, ये इन्होंने जनता से वादा किया है। जैसे कि इन्होंने कॉमन सिविल कोर्ट के लिए इन्होंने वादा किया है, जैसे आर्टिकल 370 को हटाने के लिए वादा किया है। चलिए मंदिर निर्माण के अंदर जो है इतने झंझट है 370 को ही समाप्त कर दीजिए, कॉमन सिविल कोड ही आप एक बना करके ले आइए जो पूरे भारत को सम्मान हो। डबल फंसा रहे हो बारे में तो आप बात करें 2019 से पहले आप और डबल फंसा रहे हो, मतलब गुजरात में अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसका नतीजा देखे हो आप और फंसा दो। नहीं अमिताभ भाई इसके ऊपर भी कुछ काम कर लेना, चढ़िया बेटा सूली पर भला करेंगे राम भाई। कहीं जो है जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर जब वादा किया बात उस वादे को पूरा क्यों नहीं करते हैं भाई? आप जो है एक राजनीतिक दल है 5 साल बाद फिर जनता के पास जाएंगे, आप अपने मैनिफेस्टो जब दिखाएंगे तो मैनिफेस्टो में क्या कहेंगे कि इन वादों का क्या किया? हम जो है एक सेकंड लेंगे अपना मैनिफेस्टो दिखा के क्या कहेंगे कि मैंने झूठा वादा किया था राम मंदिर के लिए, मैं झूठा पार्टी हूं, मैंने कॉमन सिविल कोर्ट के लिए झूठा वादा किया था, मैं झूठा कहा था कि कानून के दायरे में होगा कदम, इसलिए तो कॉमन सिविल कोर्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है 370 में तो नकवी साहब एक मिनट आगे बहुत संक्षेप में बात बच्चा नहीं हो जाता। इनका उत्तर बहुत साफ है, वो अनिला सिंह से उत्तर मत मांगिए, पार्टी का सबसे बड़ा पदाधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धुंध साफ कर चुके, उन्होंने कहा ये जो तीन कोर इश्यू है मैं रिपीट करता हूं मंदिर इन अयोध्या कॉमन सिविल कोड एंड धारा 370 ठीक, उन्होंने कहा इन तीनों पर बात करने के लिए 370 सीट लोकसभा में कमल के फूल पर जिस दिन आएंगी उस दिन सोचेंगे नमस्ते घर जाइए ठीक। फिर बाकी खत्म हो गई, चुनावी जुमला है काले धन की तरह, वो आप जानते जुमला है काले धन की तरह। पार्टी के सबसे बड़े पदाधिकारी ने साफ कह दिया कि 370 सीटें हमको जब मिलेंगी बीजेपी को अलायंस को नहीं मिला के तब हम इन पर सोचेंगे, उससे पहले नहीं। देन हंसी मत इंतजार करिए राम मंदिर का, तस्वीर तो साफ ना, आप तो कहीं भ्रम नहीं, वो आपके ऊपर हंस रहे हैं, वो आपके ऊपर हंस रहे हैं। नहीं वकार साहब आप इस प्रकार की बात ना करें, आप जो है रूप देना हमने है हम दे देंगे 2019 से पहले ठीक है अनिल जी अजय गौतम जी ठीक है, लेकिन फिर भी बीजेपी को देखना होगा कि अगर 370 का ही मसला है तो फिर आप इसका रूप दे उसकी तरफ से या संघ की तरफ से इस तरह के बयानबाजी ना की जाए जी। लेकिन साहब विशेष बात है भारत में तो आप उसका रूप दे देंगे जी। अनिल जी समय कम है दोबारा अनिल जी तो आपको याद दिला दूंगी समय समय। अरे भाई अरे प्रभु गौतम जी रुको मालिक रुको। कुछ चीजें बड़ी साफ है,
भक्त कई बार उद्वेलित हो जाते हैं, इधर के भी उधर के भी। हिंदुस्तान भक्त नाम की बीमारी से पीड़ित है। जिलानी साहब अभी डॉक्टर बाबा साहब को पढ़ रहा था, बाबा साहब ने एक जगह बड़ी अच्छी बात लिखी। मैं सब पार्टियों के लिए कह रहा हूं, किसी एक पार्टी के लिए मत समझिएगा, जो भैया जिंदाबाद कह रहे हैं उनके लिए भी, और जो चाचा जी जिंदाबाद कह रहे हैं उनके लिए भी, और जो बहन जी जय जयकार कर रहे हैं उन सबके लिए बोल रहा हूं, कोई नहीं, जो मैडम जी जिंदाबाद कर रहे हैं उनके लिए भी। उन्होंने कहा किसी भी नायक के प्रति अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए कार्यकर्ताओं में, अंधभक्ति तानाशाही को जन्म देती है। इतिहास बताता है 70 का दशक हमको ये जब हुआ था, जो लोग उस वक्त उस आयु के रहे होंगे उनको याद होगा वो दौर, जब देवकांत बरुआ ने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो तानाशाही वहीं से आई, तर्क से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं। जब इस देश में गांधी पर बहस हो सकती है, अब बाबा साहब पर बहस हो सकती है, पटेल और सुभाष बाबू पर बहस हो सकती है, जवाहरलाल जी पर बहस हो सकती है, तो अमिताभ अग्निहोत्री और जफरयाब जिलानी पर क्यों नहीं हो सकती है? हम लोग क्या अल्लाह है, खुदा है क्या कि बहस से परे है? तर्क बता दो तो आदमी काटने को दौड़ता, भैया कहते कैसी बात कर रहे हो, इधर वाले भी उधर वाले भी। सबसे बड़ी समस्या यहां है, असहिष्णुता मेरी निगाह में और कुछ नहीं, अंधभक्ति ने असहिष्णुता पैदा की। निगाह बुद्ध ने भी क्या कहा, जिन लोगों ने गौतम बुद्ध को पढ़ा होगा, बुद्ध ने कहा जब बुद्ध महाप्रयाण पर जाने को थे वगार भाई, तो उनके शिष्यों ने पूछा कि आप नहीं रहोगे तो कौन रास्ता दिखाएगा, तो बुद्ध ने बहुत अद्भुत उत्तर दिया है। कब दिया है उत्तर जानी साहब? 2500 साल पहले, तब ईसा भी नहीं था, इस्लाम भी नहीं था, तब बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, आत्मा के दीपक के प्रकाश में रास्ता चुनना किसी के कहने से नहीं, कोई कहे उसी को। जवाहरलाल जी कहते थे कि साइंटिफिक टेंपर होना चाहिए, क्यों और क्यों नहीं, ये सवाल तो होना चाहिए। ये जिद कैसी, क्या ऐसे ही करेंगे, कोई साइड जिद करे। भाजपा ने जो लिखा है अपने मैनिफेस्टो में, जो अगर मुझे स्मरण सही है, तो उन्होंने मंदिर बनाने की बात नहीं की, 1.5 लाइन का प्रस्ताव है, उसमें पंक्ति है, उसमें 1.5 लाइन, उसमें लिखा है कि संविधान के दायरे के भीतर प्रयास करेगी, मतलब रास्ता तलाशने का, समाधान तलाशने का प्रयास किया जाएगा। जिलानी साहब उस कॉपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चले जाए तो भी संगठन मंत्री को जेल कानून जेल नहीं होगी भाजपा के, क्योंकि कंटेंप्ट नहीं है। वो कहेंगे जी हम तो प्रयास की बात कहते कि संवैधानिक दायरे में कोई रास्ता निकाल ले, मिल मिलजुल के। कहां उन्होंने लिखा, क्या लिखा कि हम मंदिर बनाएंगे 19 से पहले, कहीं नहीं लिखा। ये तो हम लोग, मतलब हम लोग कुछ लोग हैं भोले जो उम्मीद करने लगते हैं, होता कहां है। मंच से दिया हुआ भाषण, जिला निजाम सिर के बाल गिर गए यही देखते देखते, हमारे भी आपके भी हैं। मंच से कुछ और बोला जाता है, फाइलों में कुछ और लिखा जाता है। मंच पर तो बहुत सारी बातें बोल दी जाती हैं, एक चिट्ठी देने की तैयार नहीं ना, अच्छी बात है नहीं, ठीक है। भारत की सरकार को सिर्फ और सिर्फ संविधान से नियंत्रित होना चाहिए, किसी और से नहीं, घोषणा पत्र से भी नहीं। कानून को कानून घोषणा पत्र को मान्यता नहीं देता, संविधान घोषणा पत्र को मान्यता नहीं देता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट नहीं है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है एक पार्टी की, बंच ऑफ थॉट्स है। उसमें क्या लिखा उसका क्या मतलब है, संविधान में क्या लिखा वो देख रहा होगा मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, ठीक कह रहा हूं ना। ये चीज को समझना होगा, ऐसे बयान मत दीजिए जिन बयानों से टकराव हो। नरेंद्र मोदी जी का मुझे पहला भाषण याद आता है, उन्होंने क्या कहा था रेड फोर्ट से, उन्होंने कहा था 10 साल के लिए ये सब मुद्दे छोड़ दो। बीच बीच में आप फुलझड़ी क्यों जलाते हैं, और आप जानकार हैं हमसे ज्यादा, भागवत जी जानते हैं पेज को, और रविशंकर जी तो बहुत ज्यादा जानते हैं, जेटली जी तो सब जानते हैं कि कुछ नहीं होना है। एक ईंट ना इधर वाले रख सकते हैं ना उधर वाले रख सकते हैं।
फिर क्यों बार बार उत्तेजना फैलाने की कोशिश करते हो? देश के सामने और मसाइल कम है क्या? और मैं एक लाइन अंत में कहूंगा, इस मुल्क में, केवल इस मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में बकार भाई, भूख से बड़ा कोई मजहब है क्या? भूखे को रोटी मिले, इससे बड़ा कोई इबादत गाह बन सकती है, कोई पुण्य काम है क्या? मस्जिद नहीं बने कोई दिक्कत नहीं मुझे, उस पैसे से भूखे को रोटी दीजिए। मंदिर नहीं बने मुझे कोई दिक्कत नहीं, उस पैसे से भूखे को रोटी दीजिए, बीमार को इलाज दीजिए, भगवान राम भी खुश होंगे, अल्लाह मियां भी खुश होंगे। और अगर अल्लाह मियां किसी को टेलीफोन करके, भगवान राम टेलीफोन करके कहे कि तूने मंदिर क्यों नहीं बनाया, गरीब की मदद की क्यों की, मैं नाराज हूं, तो मुझे बताइएगा। नहीं, वोट का रास्ता बनाना चाहते हैं उनको, विकास को वोट का रास्ता बनाइए, उस पर प्रतिस्पर्धा हो। कभी राम के सहारे, कभी अल्लाह मियां के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं? इनको पार्टी मेंबर की तरह ट्रीट करना चाहते हैं क्या? नहीं, इससे बचिए। अयोध्या को शांत रहने दीजिए, शांत रहने दीजिए। मेरे ख्याल से जिलानी साहब को याद होगा, 90 के दौर में हमने देखा सरयू के तट पर, हिलाल भाई, 50 सैकड़ों बंदर रोज मरे मिलते थे सुबह, भूख से मर गए बंदर उस धर्म की नगरी में। और एक बात कहूं, वो ओवैसी साहब के अब्बा हुजूर थे, उनके साथ मेरा रापता रहता था, सलाउद्दीन ओवैसी साहब, बाबरी मस्जिद इलेक्शन कमेटी वही शायद बनाए थे, उन्हीं के राजनाथ जी की बगल वाली कोठी उनकी थी दिल्ली में, अशोक रोड में। वहीं एक बात कहूं, आप मुझे बताओ, जिस रामलला का कपड़े पीढ़ियों से एक मुस्लिम परिवार सिल रहा है, न उसने शिकायत की शाहबुद्दीन साहब से कि मैं नहीं सिलूंगा, न रामलला ने शिकायत की सिंघल जी से कि हम इसके सिले कपड़े नहीं पहनेंगे, फिर झगड़ा किस बात का है? बंदर की भूख को प्रतीक समझिए, हिंदुस्तान की भूख को समझिए, वो सबसे बड़ी इबादत है, उससे बड़ी कोई इबादत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अनिला जी आपका, जिलानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नकवी जी आपका, आसिम वकार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजय गौतम जी आपका भी शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी शुक्रिया, चर्चा में बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए समाचार प्लस।